गांव की सीमा पर स्थित एक पुरानी हवेली काफी दिनों से चर्चा में थी। कहते थे कि वहां किसी ने कोई बड़ा खजाना छिपाया है जो अभी तक किसी को मिला नहीं, परंतु जो भी उस खजाने की तलाश में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव के लोग इस हवेली को भूतिया मानते थे और दूर से ही इसका रास्ता बदल लेते थे। गांव में रमेश नाम का एक युवक था जो कुछ नया करने की सोचता था। उसे इस हवेली के रहस्य के बारे में जानने की तीव्र इच्छा थी। उसने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की, परंतु सबने उसे इस बात से दूर रहने की सलाह दी। पर रमेश के मन में जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसने ठान लिया कि वह उस हवेली में जाकर खजाने का रहस्य पता करेगा। रात का समय था जब पूरा गांव सो रहा था। रमेश अकेले ही हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे वहां अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। उसकी हिम्मत थोड़ी डगमगाई, लेकिन उसने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। धीरे धीरे वह अंदर दाखिल हुआ। हवेली के अंदर और डरावने माहौल में उसकी सांसें तेज होने लगी। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति वहां पहले से ही मौजूद था जो जमीन पर कुछ खुदाई कर रहा था। रमेश ने डरते हुए उससे पूछा, आप कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं? बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, मैं ही तो इस हवेली का मालिक हूं और यहां छिपा खजाना मेरा ही तो है। रमेश को यह सुनकर बड़ी हैरानी हुई। बूढ़े व्यक्ति ने उसे समझाया कि उसने गांव वालों में भूतिया कहानियां फैलाकर इस खजाने को सुरक्षित रखा है ताकि कोई इसकी खोज में ना आए। रमेश को समझ में आ गया था कि यह सब एक बड़ा षड्यंत्र था ताकि लोग इस हवेली के पास ना आए। लेकिन तभी बूढ़े व्यक्ति ने रमेश को एक प्रस्ताव दिया। उसने कहा, अगर तुम इस राज को अपने तक रखोगे तो मैं तुम्हें इस खजाने का हिस्सा दूंगा। रमेश के सामने लालच और सत्य का द्वंद खड़ा हो गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने यह राज गुप्त रखने का निर्णय लिया। रमेश ने खजाने में से थोड़ा सा हिस्सा लेकर वहां से वापसी की। गांव वालों को इस बात का कभी पता नहीं चला कि हवेली में क्या छिपा था। बूढ़ा व्यक्ति भी अपने षड्यंत्र में सफल रहा और रमेश ने भी उसकी बात मानते हुए चुप्पी साध ली। इस तरह हवेली का रहस्य और बूढ़े व्यक्ति का षड्यंत्र रमेश के साथ ही दबा रह गया।